हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखो, अभी मैं है ना लहसुन की चटनी बना रही हूँ। कई लोगों ने कमेंट की थी कि कैसे बनाते हो आप। तो लहसुन को है ना अभी हम डाल देंगे इसमें डालेंगे लाल मिर्च। थोड़ा ये अब इसको हम खांड लेंगे। खांड ले शुगर लेवानी के बनावे छे शू रिंकल तू पण। हाँ, आज हम बनाएंगे वघारेली खिचड़ी और काठियावाड़ी कढ़ी। काठियावाड़ी कढ़ी और लहसुन की चटनी खंडवा गई है कि नहीं? खंडवा चटनी गई है। रेडी हो गई है। अभी पहले हम कढ़ी के लिए रेडी कर लेते हैं। तो ये देखो, ये मैंने छाछ ली है। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही, खट्टा दही लीजिए, उसमें पानी डाल के उसका घोल बना दीजिए। ओके, तो ये ओके मैं ले रही हूँ ये डोए से। चल, आप कितना डोया खाओगे? मैं दो आपका दो और मेरा तीन, और एक डाल दे। आपको भी तीन ही हो जाएगा। जितना आप लोगों को चाहिए उतना नाप के हम बस डालेंगे। बहुत हो कितना, गया, छह हो गया? छह हो गया। हाँ पक्का तीन ही खाओगे ना? हाँ हाँ पक्का ना? पक्का, एकदम पक्का, तीन बहुत है। थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते, ठीक है। अभी ठीक इसमें है। हम डालेंगे ये कटी हुई ग्रीन चिली, और ये हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। और इसमें जाएगा बेसन। देखो, अभी डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जितना बेसन, ठीक है। ठीक है। हम ये कर देंगे डब्बा बंद, और इसमें अभी ब्लेंडर चला लेंगे। क्या चलाना है? ब्लेंडर ब्लेंडर निकाल लीजिए। हम चढ़ाएंगे गैस के ऊपर, और अभी डालेंगे इसमें नमक। नमक शमक और डाल देंगे एक टुकड़ा गुड़ का। मैं इतना डाल रही हूँ, अभी आपको जितना मीठा पसंद हो उतना डालना। ओके, उतना ही डालेंगे, ठीक है। अभी डाल देंगे इसमें थोड़ा नीम, नीम का पत्ता, नीम का पत्ता, इसे क्या बोलते हैं, लिमड़ो के वो मीठा नीम। मीठा नीम, हमें तो लिमड़ोच कही है वो। यहाँ पे सब मीठा नीम बोलते हैं। अब इसे हम उबालेंगे, 4 से 5 मिनट तक इसे हम उबलने देंगे। जब तक गुड़ पिघल जाएगा तब तक घट हो जाएगा, तब तक है ना हम खिचड़ी बना लेते हैं। तो ये कुकर खोलेंगे, खाली कुकर है, खाली है। इसमें डालेंगे, पानी नहीं है ना इसमें, पानी होगा तो क्या होगा, फड़ 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 करके फूटेगा, तड़ तड़ होगा, तड़ तड़ में फड़ फड़ बोल दिए। हे प्रभु, थार से और बाजू में इसको हलाते रहेंगे वरना। और हाँ, एक बात है कि इसको है ना हमें बड़े बर्तन में ही बनाना है ताकि ये अच्छे से उबल पाए। ओके, ऐसे देखो, ऐसे उबालना है, चाय के जैसे। वो उबलना नहीं बोलते, मिक्स करना, ऐसे हिला के मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी कढ़ी बनेगी। ये देखो, खेल रही है अभी, प्लेटफॉर्म पर ही रहते। तो अभी हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच घी। ये मैंने घर पे बनाया हुआ था, वो घी है, गाय का है ना घी, गाय का घी, गाय के दूध का घी। घी गरम हो गया है, अब डालेंगे जीरा। साथ में यहाँ पे भी ध्यान देते रहना, ये खोलना चालू कर दिया है। 2 चम्मच और अब जाएगा हींग, थोड़ा
थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्मेल आएगी ना क्या? और अब डालेंगे ये ऑनियन, ये तो दिखाया ही नहीं, आलू प्याज और टमाटर। हाँ देखे ना, मटर नहीं थे तो नहीं डाले। और जितने वेजिटेबल्स हो सब डाल सकते हो आप इसमें ना रिंकल। यस, चिराग को सब पता है। चिराग चमचा? मैं चमचा नहीं, हाँ तू चमचा ढूंढ रही है। ये देखो, डाल देंगे टमाटर और आलू। जब हम कॉलेज में बनाते थे खिचड़ी तो उसमें हम डालते थे टोमेटो केचप इसके साथ में ही, इतनी चीज तो जाएगी ही जाएगी। वो भी अच्छी बनती है, बच्चों के लिए तो अच्छी है, पर वो मीठा बनता है। इसमें हम डाल देंगे ये नमक स्वाद के अनुसार। 3 से 4 मिनट होने वाली है। और ये लहसुन की चटनी, ये गैस को हम स्लो कर देते हैं। अब जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और कर लेंगे मिक्स 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 मिक्स। ये लहसुन की चटनी हमने जो बनाई है ना वो हम बाद में ही डालेंगे, ऑयल में नहीं डालेंगे। ओके, ऑयल में डालने से वो काला हो जाएगा, मिर्च रहता है इसलिए ना। ऐसा नहीं है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ओके, तो ये था आज का नुस्खा था। अभी के पास से सीखी होता है। ओके, ऐसा है, तो आज का नुस्खा था ना मतलब ये। अब ये देखो, ये इसमें मैंने चावल और मूंग की छिलके वाली दाल ली है, दोनों सेम क्वांटिटी में। मैंने ये आधे से थोड़ा ज्यादा बाउल लिया है दो जन के लिए। ठीक है, इसको वॉश करके इसमें डाल देना है। ठीक है, ओके। तो ये हम डाल देंगे इसमें। हेलो, इसमें हम डाल देंगे पानी। अभी कितना पानी डालना है? हमने जितना वो लिया था ना चावल और दाल, ये हमने आधे से ज्यादा लिया था, उससे हमें डबल पानी डाला। इतना चावल उससे डबल पानी, तो चावल और दाल एक ही बात। अभी हमने पानी डाला है तो नमक भी डालना पड़ेगा। ये कढ़ी उबल गई है तो गैस कर देती हूँ मैं बंद। ठीक है, ओके, चलो कढ़ी बनी गई, अभी खिचड़ी बाकी खा ली है ना। अब ये सोच रहा गुजराती है, हिंदी करो चो भाई। ये खिचड़ी को पहले ही हम इसका पानी चख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाद में कुछ ऐड करना नहीं पड़ेगा। चखने का काम तो मेरा था, पर आपको मैं पानी का चखने दूंगी, बाद में दूंगी। चलो ठीक है, चखने का ही काम करो। तो ये बहुत ही बेस्ट है, मतलब नमक और मिर्च अच्छा है। तो हम इसे ढक देंगे और गैस स्लो ही रखेंगे। स्लो रखेंगे, पहले चखने से है ना, बाद में कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है। ओके, तो ये देखो कढ़ी भी बहुत अच्छी तरीके से उबल गई है। देखिए, आपको अगर पतली पसंद है तो पतली भी कर सकते हो, उसमें पतली करनी है तो आपको बेसन कम डालना पड़ेगा और कम टाइम तक उबालोगे तो हो जाएगा। और हमें ज्यादा पसंद है ना ये वाली, क्योंकि हमारे वहाँ पे काठियावाड़ में तो यही ऐसी बनती है, जाडी जाडी मोटी 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 ना के भाई, खाली जाडी जाडी गाड़ी गाड़ी के भाई।
चाहिए। कढ़ी को अभी मैं निकाल लेती हूँ छोटे बर्तन में। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, पर छोटे बर्तन में उबालने के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम बड़े बर्तन में उबालते हैं। इसी में आप तड़का लगा सकते हो, पर मैंने निकाल लिया है। आप सब लोगों छोटे बर्तन में रिंकल ने निकाल लिया है, अभी तड़का लगाने की बारी है। इसमें क्या डालेंगे चिराग? इसमें थोड़ा तो पहले घी डालेंगे। मिक्स करना है किसको? ऑयल और घी को? नहीं, मैं खाली घी। आप ये दोनों ऑयल में भी कर सकते हो, पर अगर आप घी ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है। तो ये घी गर्म हो रहा है, जब तक डालेंगे कड़ी पत्ता, बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या जाएगा? फिर जाएगा जीरा, जाएगा राई, जाएगा और सूखा मिर्च लेके आ। तो फिर डालेंगे राई, देखो फूटी, बम फूटा, ये जीरा, तो ये पत्ता, ये सूखा मिर्च, और डालेंगे थोड़ी सी कच्ची मेथी। इसको कर देंगे बंद। और ये देखो, आप अगर हल्दी डालना चाहते हो तो इसी में डाल सकते हो। और क्या करना है, ये जो कड़ी है ना उसको ये साफ हो जाएगा। देखो अभी थोड़ा मिक्स करेंगे तो ये सही से दिखेगा आपको। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, करेंगे मिक्स। और ये हमारी रेडी कढ़ी। यस, कौन सी कढ़ी? काठियावाड़ की कढ़ी हो, बाकी काठियावाड़ की। अभी जो है ना हमें 3 सीटी लगानी है, और वो भी स्लो फ्लेम पे। ओके, चिराग एक बात तो मैं बोलना ही भूल गई। कौन सी? ये कढ़ी में है ना, वो नहीं बैठेगा। ये दूसरी सीटी हुई है। कढ़ी में है ना हम हरा लहसुन डालते हैं, पता है? वो तो अभी मिलेगा नहीं ना, ठंडियों में आएगा। मिला नहीं है, इसलिए हमने, जब आप हरा धनिया डालते हो तभी आप हरा लहसुन डाल देना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ठंडी में जब मिलेगा तब डालना, जब आप बनाओगे ना। कढ़ी है ना मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। चिराग आपकी? मेरे को बहुत कम फेवरेट है। आपको बहुत अच्छी नहीं लगती है? जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो मैं मेरे अकेले के ही बनाती हूँ। आप कमेंट करो कि किसको कढ़ी बहुत ज्यादा पसंद है, और जिसको नहीं पसंद है ना वो भी मेरे जैसे कमेंट करो। अभी बनने जा रहा है काचरी। कौन सी वाली खानी है, गुवार की, मरचे की? मरचा नहीं, काचरी हो भाई, गुवार नहीं, जो बताओ। ये है मिक्स, मिक्स ना थे या मर्चा? अच्छे गुवार, ये मर्चा है और ये है गुवार। गुवार खावी चिक नहीं खावी? ना गुवार नहीं हो, मर्चा खाली। मर्चा प्रेमी? ना कि मर्चा तो खावा चुरी। तू बनावे नहीं करता लाइन में बनाई दो काचरी तने। हम सु बनावनो खाली ट्राई करवा ना लाइन में कोई करी दो એટલું તો લાગે બધા ની કામ કરું છું એમ લા ના ના લે આ પકડ છોચરાક બહુ બધું કામ કરો છો તમે આ લે આ પકડ અરે તું લાવ હાલે પકડ બધી એક નાખી દો ને એટલી આ પણ ધ્યાન રાખજો ભગવાનનું કે આગું ના બે નહીં ને પણ ધીરે આવી ઉઠ ઉઠશે એટલે એટલે કે આગું ભગવાન ને હા બસ જો જો કે લે ક્યારે કાઢો નહીં કેજો આવડતું નથી આ બધું થઈ જાય એટલે લઈ લેવાની મેં શું થઈ ગઈ હા લઈ લે બીજી નાખું થોડી નાખી દો જો ત્યાં બાઉલ પડ્યું સાઈડમાં એમાં મૂકી દે પહેલા એ કાઢી લો પછી નાખજો ચિરાગ ઉઠશે છાંટો
मजा ही काजरी करवा में हां फूटे नहीं तो हट जावे ने बुवार ना कोई खबर पड़े ये तो दाना फूटे ना हाय जोरदार काचरी बनाई लो जल्दी बड़ी जैसे गैस बंद कर दी तो छे मैं आज એટલે હમણા થોડી ગુવાર નાખી દો લાઈન પછી ઉઠશે જીરક છાંટો એટલે કાઈ ન થાય એમાં અંદર બિયા હોય ને એ ફૂટે ગેસ બંધ કરીને છેલ્લો વાણ કાઢી લેવાનો તમારે વાવ યે દેખો ચિરાગ ને કાચરી રેડી કર દી હે થેન્ક યુ ચિરાગ ये देखो चिराग ने काचरी बनाई है थोड़ी गुवार नी जोम केवी लागे मस्त नी अपन पड़े भी नो चाहिए फिर बस हवे रेडी थैंक यू चिराग एम हूँ थैंक यू बधु तारा माटे छे बधु आ हवा निकल गई कुकर की ये देखो वाओ इसे क्या बोलते हैं वाओ काठियावाड़ी खिचड़ी है ना ये देखो मिक्स कर लेंगे बराड़ा भाई से बराड़ एकदम मस्त थई चंचिराज जोरदार तो खाओ पची वधारे खाओ तो ना अभी इसको चखने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पानी चख लिया था वो बेस्ट okay. है इसका क्योंकि इसके ऊपर अभी जो नमक कम होगा और इसमें डालोगे और मिक्स करोगे तो ये खीर बन जाएगा क्या स्वाद नहीं आता है खीर बन जाएगा बहुत ज्यादा हलाएंगे तो ओके तो इसके ऊपर धनिया डालना है तो अभी इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा नींबू वैसे तो ज्यादातर लोग नहीं डालते है पर मेरे हस्बैंड जो है ना कैमरे के पीछे उसको सभी चीज में नींबू चाहिए अच्छा होता है खाने का टिफिन में भी रोज नींबू चाहिए कोई भी सब्जी हो नींबू चाहिए क्यों ऐसा और ये धनिया डालेंगे ये डाल दिया है धनिया चिराग है ना नींबू प्रेमी और मर्चा प्रेमी है और हाँ सबने कल आंसर दिया बहुत अच्छा लगा बोलर मर्चा ना तो पहले बोलर ज कहवाय बोलर के गोलर बीजो एम कई ना होय अरे आटला नाना नाना जे आवे ने मर्चा एने गोलर के खबर नथी पछी मने खिचड़ी रेडी छे हवे आनी ऊपर घी नाखीशुं घी जरे खावा बेसुं त्यारे तो अभी देखिए यहाँ पे चालू हो गई है प्लेटिंग अभी गई है थोड़ी सी खिचड़ी कौन डिश बनावे थे कल मारी गया व्यूअर्स माटे नी तुम्हारी जो जिराग पहला व्यूअर्स नहीं बनाए पति ने जमाड़ाना ने पछी आपड़े जमवानु नहीं व्यूअर्स नहीं बात करो एवं कौन कौन करे छे जे पहला पति ने जमाड़े ने पछी व्यूअर्स थोड़ी खावा आवे जिराग तो बोलावे तो आवे कढ़ी डाल देते हैं एक में जो हम बद्दा के से तुम बोलावो तो आवे एम ज के से तने जो जो तू आवी जाओ तरत फ्लाइट पकड़ी ने जो है आ जो कढ़ी छे चमची हां खिचड़ी काचरी मुकू हां काचरी मैं बनावी એટલે મુકવી જ પડે ભાઈ કઈ મુકું ચિરાક બનને રાયતા મરચા ખાવા છે ચલો બાય બાય થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ઓર યે જરૂર ટ્રાય કરો ઓર લાઈક કરો શેર કરો ઓર સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો હે ને રિંકલ હું તો મેને બોલ દીયા કેરે બોલ્યો